जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगेन हम अपनी सीरीज को जो गेट के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने पिकअप किया हुआ है। एक अगेन बड़ा मार्वलस क्वेश्चंस गेट का 2019 का हमने लिया हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन है और ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन उस समय का रहा है। क्या था क्वेश्चन? पावर सीरीज पे क्वेश्चंस को सी गेट वालों ने बनाया था। व्हाट इज द कंसेप्ट एंड लॉजिक ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग कि लेट ये सीक्वेंस ऑफ एनी रियल नंबर्स है। एक बात यहाँ ध्यान दें, अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमको यहाँ अभी 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताना है ना, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस है। हम ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करने का उद्देश्य ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसी ऐसे क्वेश्चनों पे अपनी आइडिया रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर पूछे जाते हैं, अगर अक्सर क्वेश्चन ऐसे इस टाइप पे आते भी रहे हैं, आते भी हैं, और इन फ्यूचर भी संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि भाई जो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं या जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर देखा जाता है, क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इस उद्देश्य की वजह से हमने इस क्वेश्चनों को एक सीरीज चलाई है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है, दैट इज द रीजन। अब यहाँ जो बात यह है कि जब कोई सीक्वेंस की बात हो तुरंत लिसनर ये ध्यान में रहे कि वो पॉजिटिव की बात है, निगेटिव की बात है, आर सिंपली लिखा हुआ है कि ओनली रियल नंबर लिखा है। तो जब भी ऐसा रियल नंबर लिखा रहे तो हाँ, दोनों बातें ध्यान में रहनी चाहिए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सच दैट समेशन मॉड ऑफ एन स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ स्क्वायर किया हुआ है तो हमें पता है जब हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड लिखना कोई बड़ा वहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, बट उसको वो फंसाने के लिए थोड़ा वहाँ दिमाग डिस्टर्ब हो एग्जामिनर का, वहाँ बात ऐसी की गई, बट देर इज नो मीनिंग। मॉड स्क्वायर के बाद मॉड या मॉड के बाद स्क्वायर लगाना, दैट इज मैटर, क्योंकि दैट इज ए रियल नंबर, स्क्वायर करेंगे दिस इज अ पॉजिटिव। लेस देन इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि ये जो मेरी सीरीज जो बन रही है दिस इज द कन्वर्जेंट, ये इसका मतलब है। उसके बाद क्या कहा, इफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज वो। अच्छा, अब ए एन स्क्वायर और ए एन में एक रिलेशन बना करके ना ये सीरीज बना दिया इसने। अब कहा कि इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर है, अब पूरा उसका ऑप्शन जो है आर पे मूव कर रहा है कि आर की वैल्यू क्या क्या होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वन ऑफ दिस नेसेसरली ट्रू, एक ही ट्रू होना है, कौन ट्रू है? पहला है कि आर ग्रेटर देन वन होगा, आर इनफाइनाइट होगा, ये बात है। सेकेंड है आर लेस देन वन होगा, राइट। अच्छा, ए और बी में से पक्का एक कोई सही होगा। जब आर आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, आर इनफाइनाइट की अगर बात कर लेंगे तो फिर तो आर लेस देन वन, अगर ये हो गया तो फिर ए नहीं होगा, अगर ए हो गया तो बी नहीं होगा। सी कहा है कि आर की वैल्यू ये होगी और आर की वैल्यू ये होगी, ये मेरी बात करनी है। एक यहाँ बात और हम कहेंगे, जब ऐसा कहीं क्वेश्चन दे ना तो लिसनर ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कॉन्सेप्ट, आपको काउंटर एग्जाम्पल लेने आना चाहिए। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई सीरीज ए एन स्क्वायर ऐसा लीजिए कि वो कन्वर्जेंट हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स टैकल किए जा सकते हैं। तो कोई एक काउंटर एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ अगर एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बात कह रहा हूँ कि हम जो अब यहाँ, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करता है, वो ऑप्शनों को इल्यूमिनेट करता है। तो कंपटीशन की दुनिया में ना ये बड़ी मार्केबल चीज़ हो जाती है कि हम कोई काउंटर एग्जाम्पल ले करके ऑप्शंस को इल्यूमिनेट करें, मतलब ये देखें कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, मतलब दिस इज नॉट राइट। वहाँ हम उसको प्रूफ नहीं करते हैं, बस ये करते हैं कि ये सही नहीं हो सकता है। चाहे क्यों सही नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात को, जो हमारे रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट के अगेंस्ट जा रहा है। तो चलते हैं उस चीज़ को देखते हैं। जैसे हम यहाँ अगर ए एन इज इक्वल टू वन अपान रूट मॉड ऑफ एन ले लें, अगर ऐसा अगर मैं ले लूँ, सॉरी फैक्टोरियल एन अगर ले लूँ, तो ए एन स्क्वायर जो मेरा होगा वन अपान फैक्टोरियल एन, और समेशन ए एन स्क्वायर क्या होगा, व्हाट, समेशन ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वन अपान मॉड एन, एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ऑलरेडी है वहाँ एन वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी दिस, तो वन बाई फैक्टोरियल जीरो वन बाई वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल वन प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस वन बाई फैक्टोरियल फोर प्लस एंड डॉट्स वन, मीनिंग ये जो सीरीज होगी वो ऐसी हो गई, फैक्टोरियल वन मीनिंग वन
प्लस वन बाई फैक्टोरियल टू प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एन डॉट्स वन हो गया। अच्छा सबको पता है ना दिस इज द ई, ये वैल्यू ई होगी हमारी, दिस इज द ए हियर। तो हम अब इस एक काउंटर एग्जाम्पल से सी और डी जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू आ गई, यानी जो आर की वैल्यू आनी चाहिए, आर इज इक्वल टू कह रहा है इसके इक्वल होना चाहिए, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, हमने जब ये समेशन निकाला तो उसकी वैल्यू ई आ गई। अच्छा अगर हम इस सी की बात करें, क्या ये संभव है क्या कि आर इज इक्वल टू, अब इसका सम ले लीजिए उसके बाद अंडर रूट, दिस इज द अंडर रूट, ये मेरी बात होगी। अच्छा अब आर का फार्मूला सबको पता है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूले होते हैं वो एक बड़ा फेमस फार्मूला है कि वन अपन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपन ए एन, ये फार्मूला होता है। एक और भी होता है कि सुप्रीमम ऑफ वन अपन ए एन, ये मतलब कि ऐसे भी लिखते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव वन अपन ए एन रेज टू दी पावर वन बाई एन, ये मतलब इसकी जो है सुपीरियर लिमिट की वैल्यू है। ये भी एक फार्मूला है हमारा वन बाई आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हियर, ये आर हो जाएगा यहाँ सारी, दिस इज द आर हियर। तो किसी एक फार्मूले का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो चलते हैं देखते हैं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट ए एन प्लस वन, तो अगर ए एन प्लस वन मैं निकालूं तो ये हो जाएगा वन अपान फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन प्लस वन हाफ हो जाएगा अपान वन अपान फैक्टोरियल एन हाफ, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा सब तो ये पॉजिटिव है तो मान हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर हाफ हो गया और अपान यहाँ फैक्टोरियल एन प्लस वन रेज टू द पावर हाफ हो गया, दिस वैल्यू हो गई हमारी। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या आएगा, वन अपान आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर हाफ अपान, ये हो जाएगा एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन रेज टू द पावर हाफ, ये भी रेज टू द पावर हाफ होगा जब बाहर करेंगे, दिस ऐसे कर दें तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस क्या बचेगा वन बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव वन अपान एन प्लस वन रेज टू द पावर हाफ। अब जब एन इन्फिनिटिव की ओर टेंड होगा टेंडिंग्स टू द इन्फिनिटिव तो वन बाई आर इज इक्वल टू दैट इज जीरो, दिस इज आर टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब जो रेडियस ऑफ जो कन्वर्जेंस ऑफ जो सीरीज है ना वो इन्फिनिटिव आ जाएगी। और हमने जो अभी ये वैल्यू निकाली इसका सम ई आया है, ये निकाला है ना, ये आर एक ई आया है और आर अंडर रूट टी आया है, अगर डी है तो आर इज इक्वल टू ई है, अगर सी है तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ई है, बट हमने जब आर की वैल्यू निकाली तो इन्फिनिटिव है, तो ई और अंडर रूट ई तो इन्फिनिटिव तो होता नहीं, ये दो कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाले सब लोग ये जानते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एक एग्जाम्पल जो है ना हमारे इन सब को इल्यूमिनेट कर दिया, अब कह रहा है कि नेसेसरली ट्रू मतलब वो सत्य ही होना है आवश्यक है, तो मतलब ये कैसा काउंटर एग्जाम्पल हुआ जो डी ऑप्शन को इल्यूमिनेट कर दिया सी को इल्यूमिनेट कर दिया और आर लेस देन वन का है, आर लेस देन वन का है भाई, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो बी भी इल्यूमिनेट हो गया। ओनली वन काउंटर एग्जाम्पल इल्यूमिनेट्स थ्री ऑप्शंस, तो डेफिनेटली ये ऑप्शंस हमारा ट्रू हो जाएगा, ये तो मेरी बात हो गई। और बट इसका दिस इज नॉट, अभी हमने कहा दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू द प्रूफ ऑफ दिस, दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ द प्रूफ, प्रॉपर वे ऑफ द प्रूफ वो बात अलग है। अब थोड़ी हम बात यहाँ आते हैं अपनी यहाँ आइडिया एक रखते हैं कि ठीक है दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल इल्यूमिनेट एंड ओनली वन ऑप्शन अगर ट्रू होना है तो ये होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस स्तर के कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, तो लेकिन अगर वहाँ आप किसी पे टिक मारेंगे तो अब तक जो परंपरा है वो नंबर दे देते हैं, लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल से मैं दावे की बात सही नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, बट मुझे ये पता हुआ ना कि ये सही नहीं है।
अब ये सही है नहीं मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, मे बी ट्रू मे बी मे नॉट बी ट्रू, लेकिन एक ऑप्शन ट्रू होना है तो भाई ये जो है लूप होल है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही तो लूप होल है कि भाई काउंटर एग्जांपल ले लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, मार दीजिए, बट ये दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू द प्रूफ। चलिए हम आते हैं, यहाँ कहा है कि वो लेस देन इन्फिनिटी, समेशन ए एन स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी मतलब दिस इज द कन्वर्जेंट सीरीज। मुझे इस सीरीज के बारे में बात करनी थी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज होगी 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपन एन। एक बात और यहाँ कि बी एनी सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर, तो ए एन मेरा जो है ना वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी हो सकता है, ऐसा भी वो सीक्वेंस हो सकता है। बहरहाल बस हम मॉड लगा दिए हैं तो पॉजिटिव निगेटिव का लफड़ा ही फिनिश हो जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। डी एल हम्बर्ट्स जो रेशियो एक टेस्ट है जो सीरीज में बड़ा कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, बड़ा धाकड़ यूज होता है उसका, वो ये कहता है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ एक बात और है कि जो डी एल हम्बर्ट्स रेशियो जो टेस्ट है ना वो पॉजिटिव के लिए वर्क करता है, बी ऑलवेज कीप इन माइंड। अक्सर देखने में आता है कि बिगनर स्टूडेंट लगाया जा रहा खड्ड क्वेश्चन आया डी एल हम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या कौशी यानी थ्रूट टेस्ट या कंपेरिजन टेस्ट सब वो लगाया जा रहा है, बट इसीलिए हमने यहाँ कहा है कि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कॉन्सेप्ट कि पहले पता करिए वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे, यू कैन नॉट बी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये सीक्वेंस अगर ये पॉजिटिव है तो भाई डी एल हम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट वो क्या कहेगा, ए एन प्लस वन मतलब ये दिस कोई भी अगर सीरीज है ऐसा है इफ समेशन ए एन बी एनी इनफाइनाइट एंड ईच टर्म बी पॉजिटिव देन डी एल हम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट सेज दैट इफ लिमिट ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ये जो भी है पूरा अपान ए एन लेस देन वन देन दिस सीरीज इज डिफिनेटली कन्वर्जेंट सीरीज। अगर वन है तो डाउटफुल केस हो जाता है, अगर ग्रेटर देन वन है तो डिफिनेटली वो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की यहाँ बात कहा हुआ है आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, अच्छा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर आर जीरो हुआ, इफ आर इज इक्वल टू जीरो तो सीरीज नो वेयर कन्वर्जेंस, तो सीरीज कन्वर्ज किसी एक्स के किसी वैल्यू पे लिए वो कन्वर्जेंट नहीं होती। ये भी एक रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, अभी ध्यान में रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ए एन प्लस वन अपान ए एन लेस देन वन, अब यहाँ ए एन क्या है, दिस इज द टोटल, ये टोटल है ना, तो ए एन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर अपान वाट ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ये जो वैल्यू मेरी निकलेगी वो लेस देन वन होगी। अब मैं यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, तो ए एन प्लस वन अपान ए एन दिस, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात लगा दें यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर दिस इज अ पॉजिटिव टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू तो ए एन प्लस वन दिस इन टू एक्स लेस देन वन। अच्छा ये एक्स एन पे डिपेंड नहीं है तो एक्स को मैं आउटसाइड कर लूँ, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपान ए एन दिस लेस देन वन। अब ये बात कहा है कि ये मेरा वन बाई आर है बाई डिफिनेशन, आर बी द कन्वर्जेंस, तो फिर क्या होगा, एक्स इंटू वन बाई आर दिस इज द मॉड ऑफ एक्स, दिस इज द मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स दिस इज द लेस देन वन, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर, आर दिस इंप्लाइज आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स। मगर अगर ये पॉजिटिव की बात होती तो फिर तो ये ताबड़तोड़ फैसला मेरा हो जाता है आर ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स, मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की जो वैल्यू होगी वो आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होगी दिस, और मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज दिस इज द पॉजिटिव नंबर। तो ये तो मेरी बात हो गई कि दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट डाउन व्हेन द ईच टर्म ऑफ द सीरीज इज द पॉजिटिव, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो बार बार मैंने कहा भी है कि ये दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे टू द प्रूफ हियर, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग काउंटर एग्जांपल लेके लगा लेते हैं, अगर प्रॉपर वे अगर मिलता है तो अगेन इस क्वेश्चंस को हम लोग अगेन डिस्कस करेंगे, या अगर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करे बताए कि नहीं दिस इज द प्रॉपर वे टू द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन तो फिर उसका स्वागत है, स्वागत करते हैं। चलते हैं एक और
इजी क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चंस भी बड़ा मार्वलस क्वेश्चन रहा है। वो क्वेश्चन क्या था, 19 का क्वेश्चन था, उसमें फंक्शंस की एरिया पे क्वेश्चन को गेट वालों ने बनाया था। और वो क्वेश्चन क्या था, पहले मैं उसको लिख दूं थोड़ा जल्दी क्योंकि टाइम को भी देखना है। तो क्वेश्चन ये था कि लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो 0-2 में डिफाइंड है, दिस सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स अगेन दिस इंटरवल, इफ द एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है उससे x 0 है, y 0 है एंड x इज इक्वल टू b है, इनके बीच में एरिया इस फंक्शन द्वारा जो बाउंडेड हो रही है, इज कह रहा है कि उसकी वैल्यू √3 + b² - √3 है, दिस वेयर, अब यहाँ b क्या है, b बिलोंग्स 0-2, ये सेमी क्लोज ओपन इंटरवल है, देन f ऑफ 1 इक्वल टू राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस की बात की गई थी यहाँ, दिस इज द क्वेश्चन हियर। अच्छा, ये क्वेश्चंस की खासियत क्या है, ये क्वेश्चन की खासियत है ना कि एफ ऑफ एक्स नहीं दिया है, बावजूद उसके एफ ऑफ वन की वैल्यू पूछी हुई है, ये टेक्निकलिटी है क्वेश्चन में। और एरिया भी जो दिया है ना वो बी के फॉर्म में दिया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसके, और बी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 2 तक, और एरिया जो बाउंडेड है वो एक्स इज इक्वल टू 0, वाई 0 है और एक्स इज इक्वल टू बी, तो मतलब लिमिट अगर दिखा जाए तो एक्चुअल में है 0-b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सबको पता होता है एरिया होती है, बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू 0, यस ये एरिया है मेरी, और ये एरिया की वैल्यू जो है गिवन है वो है √3 + b² - √3। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए आए तो बिगिनर स्टूडेंट अधिकांशतः गलती करता है ना, वो यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ द साइन अंडर इंटीग्रेशन, वो जो डिफरेंशिएशन वाला रूल है वो लगा देते हैं, बट सारी ये वो रिजल्ट वो यूज ना करें, इसके लिए सीधे सपाट एक जो बेसिक जो कंसेप्ट है उसका वो यूज करें। जैसे यहाँ ये बी पे डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करें ना, जनरल एक वैल्यू ले लीजिए, और बी की वैल्यू कहाँ है, वो 0-2 है, या ये कह सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ बी इज व्हाट, ये जो मेरा है ना ये फंक्शन ऑफ बी हो गया, एरिया इस बी के फार्म में निकल रही है। अब हम क्या कर लें, लेट कर लें कि ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा एफ ऑफ एक्स दिस प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि जब हम डिफिनिट इंटीग्रल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट फिनिश हो जाता है, तो बिना मतलब का लफड़ा करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम पीरियड में, वो देख लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो एफ ऑफ एक्स, अगर मैं वैल्यू एफ ऑफ एक्स यहां लिख दूं तो दिस इज द एफ ऑफ एक्स, अब ये हो गया 0-b √3 + b² - √3। अच्छा, अब ये वैल्यू मेरी आ जाएगी व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू √3 + b² - √3। अब यहाँ क्या करना है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग दिस किसका फंक्शन है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स ले लेंगे ना, 3 + x² आ जाएगा, तो एक्स के रूप में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स क्या होगा, वो 0 से 2 तक यहाँ वेरी करेगा, तो डेफिनेटली दिस एरिया गिवन इन द फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ द बी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश बी हो जाएगा, दिस इज द एफ डैश बी, ये तो 0 हो जाएगा, अब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2b/√3 + b² दिस, ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज द कॉन्स्टेंट, तो एफ डैश बी क्या हो गया, व्हाट b/√3 + b² ये हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे, व्हाट वही एक्स वेरी फ्रॉम, वही लिखना है यहाँ, ये 0-2, तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, बस b की जगह x लिखना है, दिस इज द फंक्शन ऑफ b, की जगह x लिख दीजिए, y लिख दीजिए, t लिख दीजिए, बस वो वेरिएशन से ही रहना चाहिए, बात तो वही है,
चेहरे बदल जाएंगे, आत्मा तो वही रहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स अपान रूट थ्री प्लस यक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ आइए, व्हाट इज़ द, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो फिर यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, व्हाट एफ डैश यक्स इज इक्वल टू व्हाट एफ ऑफ यक्स, दिस इज हियर। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो सबको पता है कि जो रेसिप्रोकल होता है इस सेंस में, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज द एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मेरा यहाँ एफ ऑफ एक्स। अब ऐसे ना देख करके देखो क्वेश्चन को किस तरीके से वहाँ ट्विस्ट किया गया था, तो फिर हुआ क्या कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान रूट थ्री प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स इज इक्वल टू वन पे मुझे वैल्यू निकालनी थी, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपान अंडर रूट थ्री प्लस वन मतलब फोर, दिस इज इक्वल टू 2.5, मतलब इसकी जो वैल्यू थी ना वो 0.5 है दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को मुझे कैसे टैकल करना है। तो मुझे उम्मीद है आई थिंक द कंसेप्ट अबाउट दीज क्वेश्चंस इज क्लियर हियर। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब भी देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।